भारत में नोटों का पुराना इतिहास रहा है और आपने बहुत पुराने और दुर्लभ नोट देखे होंगे। जब भी हम पुराने नोटों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी करेंसी आपने 10,000 रुपए के नोट की सुनी होगी, लेकिन आपको बता दें कि इससे भी बड़ी करेंसी भारत में छप चुकी है। जी हाँ, अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि भारत में 1,00,000 रुपए का नोट भी छप चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, 1,00,000 रुपए का नोट। शायद आपने 1,00,000 रुपए के नोट छपने की छोड़िए सुना तक नहीं होगा, लेकिन ये सच है। भारत में एक बार 1,00,000 रुपए का नोट भी छप चुका है, लेकिन इस नोट पर महात्मा गांधी का नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी हुई थी। दुर्लभ इतिहास वाले इस नोट को आजाद हिंद सरकार के समय छापा गया था। नेताजी के करीबी रह चुके कर्नल निजामुद्दीन ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि आजाद हिंद सरकार के समय 1,00,000 का नोट भी छप चुका है। 1,00,000 रुपए का नोट जारी करने वाले आजाद हिंद बैंक को तब दुनिया के 10 देशों का समर्थन प्राप्त था। आपको बता दें कि आजाद हिंद की स्थापना 1943 में हो गई थी। बर्मा, क्रोशिया, जर्मनी, नॉनकिंग, मंचुंको, इटली, थाईलैंड, फिलीपींस और आयरलैंड ने बैंक की करेंसी को मान्यता दी थी। तब बैंक की तरफ से 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1,00,000 रुपए तक के नोट जारी किए गए थे। आजाद हिंद बैंक की ओर से जारी 5,000 के नोट की जानकारी सार्वजनिक थी। 5,000 का एक नोट आज भी BHU के भारत कला भवन में सुरक्षित रखा है। जबकि हाल ही में एक नोट की तस्वीर नेताजी की प्रपौत्री राजश्री चौधरी ने विशाल भारत संस्थान को उपलब्ध कराई है। तब कर्नल निजामुद्दीन को 17 रुपए सैलरी मिलती थी, वहीं आजाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट की सैलरी 80 रुपए महीना थी। बर्मा में तैनात अफसरों को 230 रुपए तक सैलरी मिलती थी।